बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज का लेक्चर है ये पिछले लेक्चर के साथ कंटिन्यू ही है। इसके अंदर मैं जो अभी टॉपिक पढ़ा रही हूँ पिछला ही टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ। ये है कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। तो थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देती हूँ कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने क्या किया था। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो हम इंसर्ट कर दें कैपेसिटर के अंदर तो क्या होता है, और उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर देते हैं तो उस मटेरियल उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और उसके अंदर दो केसेस मैंने डिस्कस किए थे कि चाहे आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते वक्त ये जो सप्लाई है पावर सप्लाई बैटरी जिसको हम कहते हैं, इसको चाहे आप लगा के रखें चाहे नहीं लगाएं, बैटरी इंसर्ट करते वक्त दोनों सूरतों के अंदर कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो मैंने आप लोगों को बताई थी। फिर उसके बाद मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं उसके अंदर हम गॉसेस लॉ की मदद से किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस की प्रॉब्लम भी एक मैंने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस की थी। और इसी प्रॉब्लम के ऊपर मैंने एंड कर दिया था। और यहाँ पर जो है वो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो कैलकुलेट करके बताए थे कि अच्छा भाई कैपेसिटेंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, पोटेंशियल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी। आज दोबारा से मैं वही टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ। कैपेसिटर के अंदर अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक रख तो रहे हैं लेकिन दो डिफरेंट तरह के डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं, दो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान। ये अभी मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। और यहाँ से देखें ये रेड लाइन मुझे नज़र आ रही है, इसको मैंने इस स्पेस को मैंने दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ये एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट R1 के नाम से और R2 के नाम से मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो अगर मैं इस डायग्राम को गौर से देखूँ तो ये जो मेरा टर्मिनल है और ये जो मेरा टर्मिनल है, ये जो प्लेट है और ये वाली जो प्लेट है, ये मेरी एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा होगा जिसको मैं C1 कह सकती हूँ। और ये जो प्लेट है, दोनों प्लेट्स जो हैं ये बिहेव कर रहा होगा कैपेसिटर 2 की तरह। और ये दोनों किस तरह से बिहेव कर रहे होंगे कि ये जैसे सीरीज में लगे हैं, जो इनकी अरेंजमेंट जिस तरह से हुई हुई है इसको हम किस तरह से इक्विवेलेंटली ले सकते हैं कि ये C1 और C2 हैं। बिल्कुल इसी तरीके से लास्ट मैंने एग्जाम्पल करवाई थी ये वाली, जो मेथड नंबर 2 के जरिए मैंने आप लोगों को बताया था कि कैपेसिटेंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसमें भी मैंने आप लोगों को यही चीज़ बताई थी एग्जैक्टली कि अगर मेरे पास जो है वो एयर है यहाँ पर या वैक्यूम है तो उसको मैं medium 1 तसव्वुर कर लूँगी और दूसरे को medium 2 तसव्वुर कर लूँगी, और उसके बाद जो है वो मैं उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए उसको ट्रीट करूँगी कि जैसे ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं वो मेरे सीरीज के अंदर लगे हुए, medium 1 और medium 2 अलग अलग दो कैपेसिटर्स हैं, और जिस तरह से लगे हुए वो किस तरह से लगे हुए सीरीज में। सीरीज में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। देखिए एक ये टर्मिनल है, ये एक प्लेट थी ये वाली, और एक ये प्लेट है, ठीक है। तो इसी को ये ज्वाइन है इसके साथ में, ये इसके साथ ज्वाइन है। तो इसको मैं अगर अलग कलर से शो कर दूं, लेट सपोज ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, ये है दूसरी प्लेट और ये दोनों ज्वाइन हुई हुई हैं। तो ये इस कनेक्शन का भी मतलब क्या हो रहा है, ज्वाइन। चाहे मैं इसको बिल्कुल लगा के एक साथ में रखूं, चाहे मैं थोड़ा सा फासला रख दूं, ये इक्विवेलेंट है। इज इक्वल टू का निशान मैंने लगाया है, वर्टिकल लगा दिया है, लेकिन ये जो है बराबर है, इक्विवेलेंट है किससे, किसके कि दो कैपेसिटर जो है वो मेरे पास सीरीज में लगे हुए हों। बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ पर भी हो रही है। अगर मेरे पास एक वैक्यूम नहीं है बल्कि कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और दूसरा भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और उसको मैंने इसके अंदर रखा, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। ये बेसिकली ये एक मैंने लाइन के जरिए, सिंबल के जरिए शो किया है, लेकिन ये जो प्लेट्स होती हैं इनका एक सर्टन एरिया होता है ए, और दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो डी डिस्टेंस यहाँ पर नजर आ रहा है। इसको अब मैं सॉल्व करती हूँ इस प्रॉब्लम को।
अच्छा, मुझे प्रूफ करना है कि जो दोनों की टोटल कैपेसिटेंस है सर्किट की वो ये है, प्रूफ करना है मुझे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे यहाँ से पता चल गया कि ये सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, तो सीरीज के अंदर कैपेसिटेंस रिड्यूस होती है और उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। और या मैं सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अगर निकालना चाह रही हूँ तो मुझे इस फॉर्मूले के जरिए टोटल कैपेसिटेंस जो है वो निकालनी होगी। तो C1 जो है वो मेरा क्या है, ये C1 है और ये C2 है। तो C1 मैंने किस तरीके से लिखा, पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला मुझे मालूम है कि वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। लेकिन चूंकि ये मीडियम में है तो मैं यहाँ पर ER1 एप्सिलॉन R1 भी लगा दूंगी। और ये जो डी है मेरा, ये बेसिकली एरिया तो वही रहा, एरिया मेरा वही रहा, लेकिन जो डी है वो अब रिड्यूस होके D/2 हो गया है, तो यहाँ पर मैं D/2 लिख दूंगी। इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो कैपेसिटेंस C1 है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 ए डी डिवाइडेड बाय D/2 ये। और C2 भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से निकालेंगे, बस फर्क ये होगा कि यहाँ पर ER2 आ जाएगा, यहाँ पर ER2 आ गया। C1 प्लस C2 करना है, C1 प्लस C2 मैंने किया तो जो चीज़ें कॉमन थी उसको मैंने बाहर कर दिया और बाकी चीज़ अंदर मेरी रह गई। और अब इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ, इसमें सिंप्लीफिकेशन हुई भी है। सिंप्लीफिकेशन के अंदर कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे कि ये एक एप्सिलॉन नॉट ए और D/2, एप्सिलॉन नॉट ए और D/2 ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बच गया आपके पास ER1, ये ER1 बच गया। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है, ये एप्सिलॉन नॉट बच गया, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, ER2, ये ER2 बच गया, ठीक है। और ये जो है आपके पास ए, ये आपके पास आ गया ए, और नीचे यानी डिवाइड में इधर जाएगा D/2 और ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये 2 मल्टीपल में इधर आ गया, नीचे डी रह गया और नीचे ये EpsilonR1 प्लस EpsilonR2 ये चीज़ें आ गई। तो मैं इसको रीअरेंज करके उसी फॉर्म में लिख सकती हूँ जैसे कि मुझसे प्रूफ करने के लिए कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो टोटल कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस इस केस के अंदर जो है वो प्रूव हो गई। और ये जो कैपेसिटेंस है इसमें अब खास बात क्या है कि इसके अंदर 2 डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो मैंने लगाए थे, तो अब उस सूरत के अंदर जो मेरी कैपेसिटेंस है वो ये निकल रही है, ठीक है। ये मैंने प्रूव कर लिया। ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसके अंदर, ER1 ER2 की वैल्यू गिवन हो सकती है, एरिया गिवन हो सकता है, तो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये आना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम है, इसके अंदर हमें क्या चीज़ गिवन है। अब उसमें हमें कहा हुआ है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक्स एज शोन। अब 2 डाइलेक्ट्रिक तो डालें, लेकिन आप किस तरह से डालें, अब इस तरह से डालें कि इन दोनों को डिवाइड कर दिया है और ER1 और ER2 जो है वो 2 डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट कर दिए। ये बेसिकली पूरा के पूरा एरिया है ना, इस तरह से प्लेट का ये एरिया ए है और ये डिस्टेंस इनका डी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आधे में इन्होंने अब ER1 इंसर्ट कर दिया और आधे के अंदर जो है वो ER2 इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब अगर अब हमें इसकी कैपेसिटेंस प्रूफ करनी है कि वो किसके बराबर है, इसके बराबर। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो सिचुएशन है जिसमें बराबर बराबर में डाइलेक्ट्रिक्स रखे हुए हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन है जो कि ये है। देखें, एक ये वाला टर्मिनल यहाँ पर एज इट इज मैंने ड्रॉ कर दिया, ये वाला टर्मिनल। अब ये जो चीज़ है ये कॉमन कनेक्शन है इसके साथ में और इसके साथ में, तो मैंने उसको इस प्लेट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये कॉमन कनेक्शन है, आधा डाइलेक्ट्रिक इधर और आधा डाइलेक्ट्रिक इधर, ओके। इनके दरमियान डिस्टेंस डी ही है, लेकिन अब एरिया जो हो गया है वो एरिया रिड्यूस होके A/2 हो गया है इस सूरत के अंदर। तो जब मैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखूंगी C1, तो C1 मुझे मालूम है कि किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन C1 के लिए ER1 होगा और A जो है वो अब A नहीं होगा बल्कि A/2 होगा। तो इसी तरीके से C/2 लिखेंगे, लेकिन C/2 में ER1 की जगह ER2 एप्सिलॉन R2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करना है, दोनों कैपेसिटेंसेस को
मैं ऐड अप कर दूंगी, क्योंकि ये जो है वो बिहेव कर रहा है लाइक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस जो है वो ऐड अप होती है। C1 की वैल्यू रखी, C2 की वैल्यू रखी, उन दोनों को सिंप्लीफाई किया, जो चीज़ें कॉमन निकल रही थी एप्सिलॉन नॉट ए टू और डी, एप्सिलॉन नॉट ए टू और डी जो है वो मैंने कॉमन निकाल दिया। बाकी जो अंदर बचा है वो ये बच गया एप्सिलॉन R1 एंड एप्सिलॉन R2। इसी फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया जिसमें इन्होंने मुझसे मांगा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास डायलैक्ट्रिक जो है वो इस तरह से इंसर्ट हुआ हुआ हो, तो फिर हम कैपेसिटेंस जो है वो किस तरीके से एवलुएट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ही प्रॉब्लम है इसमें। अब डायलैक्ट्रिक मटेरियल जो है वो यहाँ पर तीन तरह के डायलैक्ट्रिक मटेरियल जो है वो रखे हुए हैं। ये देखें, हाफ में तो ER1 रखा हुआ है, फिर जो बाकी हाफ बचा उसको भी दो हिस्सों में तकसीम करके इन्होंने ER2 और ER3 यानी डिफरेंट डिफरेंट सेकेंड और थर्ड डायलैक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए, जिनके डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है वो यहाँ पर हमें मेंशन है। और अब हमसे कह रहे हैं कि इसकी टोटल इस सिचुएशन के अंदर जो टोटल कैपेसिटेंस है वो अब क्या होगी। तो अब ये जो डायलैक्ट्रिक के साथ जो कैपेसिटेंस हम निकालेंगे, इसमें अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनाऊं तो ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सबसे पहले तो ये और ये जो कॉम्बिनेशन है पूरी, ये जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल, जो कि मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि 3 और ये वाली जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल है, और ये जो है आपस में सीरीज में है, ये सीरीज में है। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं 1 और 2 की टोटल कैपेसिटेंस निकालूंगी सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, और जब मेरे पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी तो उसके बाद मैं उस ये जो कैपेसिटेंस है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो अब मैं पैरेलल के हिसाब से जो टोटल कैपेसिटेंस निकलती है ये दोनों ऐड अप होते हैं, दोनों को ऐड अप करूंगी और उसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगी। तो यहाँ पर देखते हैं सिंप्लीफिकेशन, C1 की जगह पर मैंने क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट ER1, एरिया जो है इसका चूंकि आधा है तो एरिया मैं लिखूंगी A/2, ठीक है, और डी, बेसिकली दिस इज D/2। इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं, ये जो एरिया है ये यहां से लेके यहां तक तो डी है, लेकिन ये जो ये टोटल डी है ये D/2 है और ये भी D/2 है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 1 कैपेसिटर का, C1 का हम लिख रहे हैं, तो ये जो है D/2 होगा, और एरिया भी जो है वो क्या हो गया है, अब हाफ हो गया है, ये भी A/2 एरिया है और ये भी A/2 एरिया है। तो एरिया जो है वो C1 का, ये वाला जो C1 है उसका एरिया A/2 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है कैपेसिटर का ये भी D/2 है, तो यहाँ पर D/2 का एक फैक्टर आएगा। अच्छा, इसी तरीके से ये जब मैं C2 लिखूंगी, C2 की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ER2 A/2 एंड D/2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय, यानी कि अब मैंने C1 और C2 को यहाँ पे प्लस करके लिख दिया है। प्लस करके जब मैंने इसको लिखा तो ये जो दो वैल्यूज हैं इन दोनों को मुझे क्या करना होगा, प्लस करके लिखना होगा। और इसमें मैं अगर देखूं गौर से तो सब चीजें कॉमन आ रही हैं, इसमें भी एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी एप्सिलॉन नॉट है, A/2 इसमें भी है, A/2 इसमें भी है, D/2 इसमें भी है, सिर्फ अंदर जो बचेगा इसमें ER1 + ER2 जैसे ये हमें नजर आ रहा है। अच्छा, टू का फैक्टर चूंकि यहाँ पर मिसिंग है तो 2 ऊपर भी आ रहा है, इसमें करेक्शन मैंने कर ली, 2A हो जाएगा ये, ठीक है। D/2 का जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो इस वजह से ये 2A है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, ये 2 तो कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर नीचे से, क्या बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट ER1 एप्सिलॉन नॉट ER2, और कुछ कैंसिल भी हो रही हैं चीजें, कैंसिल कर देते हैं पहले, एप्सिलॉन नॉट A/D, तो एप्सिलॉन नॉट A/D यहां से कैंसिल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास बचेगा एप्सिलॉन R1, और बाकी जो चीजें बच रही हैं वो मैं यहाँ से देखकर लिख लेती हूँ। तो एप्सिलॉन R1 और बाकी कौन सी चीज बच रही है, एप्सिलॉन नॉट R2 और ए सॉरी एप्सिलॉन R2 ए और नीचे डी, नो नो टू, टू नहीं आएगा, और उसके बाद
जो यहाँ मल्टीपल नीचे जो एक फैक्टर और बच रहा है वो क्या बच रहा है, एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। ये मेरे पास C12 आ गया है। अब मुझे क्या करना है, उसको C3 के साथ में ऐड अप करना है। C3 के साथ जब मैं उसको ऐड करूंगी तो C3 की जो वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A/2, क्योंकि इसका एरिया A/2 ही है, लेकिन डी जो है वो अब डी है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी जो C12 मैंने निकाला है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगी, 2 यहाँ पर शामिल नहीं है। तो ये जो फैक्टर है मेरे पास, अब इसमें से जो चीजें कॉमन निकल रही हैं एप्सिलॉन नॉट डी और ए, ये बाहर आ गया, ठीक है। और बाकी इसमें क्या बच गया, एप्सिलॉन R3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस दिस फैक्टर। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल जो कैपेसिटेंस है वो अब आ गई इस कॉम्बिनेशन की, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को इस तरीके से इंसर्ट करूँ तो, ठीक है। कोई से भी दो मटेरियल लेके या तीन मटेरियल लेके इन फॉर्मूलों के अंदर उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखकर एनालाइज ज़रूर करें कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इस तरीके से रखा हुआ है, तो ER1 ER2 अगर आप निकाल लें दो मटेरियल्स के लिए, तो फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो क्या निकल रही है, ठीक है। तो हमें जो है वो उससे कंपेयर करके अंदाजा हो जाएगा कि कैपेसिटेंस का बिहेवियर जो है दो या तीन डाइलेक्ट्रिक्स के साथ पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरह से है। अच्छा, एक और टॉपिक जो है वो मैं आगे करवा रही हूँ। अच्छा, इसको इसके अंदर जो है ना वो हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि हमने अब बजाय डाइलेक्ट्रिक डालने के हमने क्या किया, एक कंडक्टर को जो है ना वो इंसर्ट कर दिया दो प्लेट्स के दरमियान। और हमसे अब पूछ रहे हैं कि अच्छा अगर हम डाइलेक्ट्रिक नहीं डालें, अगर हम कंडक्टर डालें, तो फिर अब कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि सच डेट इट डज नॉट टच दी प्लेट्स, क्योंकि ये जो प्लेट्स होती हैं ये ऑलरेडी कंडक्टर की बनी हुई होती हैं, और अगर आपने डाइलेक्ट्रिक के बजाय कंडक्टर डाल दिया अंदर, और अगर आपने जो है वो कंडक्टर डालने के बाद बिल्कुल उसको टच कर दिया, तो फिर ये कैपेसिटर नहीं ही बनेगा बल्कि ये कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा और इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ये कंडक्टर नहीं रहेगा। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम कंडक्टर को इंसर्ट करें तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमें ये ख्याल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो है वो बेसिकली इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो अगर हम उसको पूरा पूरा फुल भी डाल दें या हाफ डाल दें तो, और टच भी कर रहा हो वो प्लेट्स के साथ में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कंडक्टर इंसर्ट करते वक्त हमें ऐसी उसकी माउंटिंग रखनी होगी कि वो प्लेट्स के साथ में टच ना करे। अच्छा, अब ठीक है, हमने उसको कह दिया कि प्लेट्स के साथ टच नहीं कर रहा। यहाँ पर शो हुआ हुआ है कि एक कैपेसिटर मैंने रखा है। अच्छा, एक कंडक्टर मैंने रखा है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। तो कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर के अंदर पोलराइजेशन नहीं होती, बल्कि हम एक नई टर्म इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरी टर्म इस्तेमाल करते हैं विच इज नोन एज इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन का मतलब ये होता है कि इसकी देखा देखी हुई चार्जेस जो है वो इधर आ गए प्लस और इधर माइनस इधर आ गए, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ डिटेल से कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एनीवेज। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर क्या होता है कि जितने चार्जेस इधर हैं उतने ही चार्जेस जो है वो यहाँ पर होंगे, तो उसके नतीजे में हम ये बात कह सकते हैं कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस से माइनस प्लेट की तरफ जा रही थी उतनी ही फील्ड यहाँ पर प्लस से माइनस की तरफ होगी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को डिटेल से बता चुकी हूँ कि चाहे आप किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें या ना रखें, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड द कंडक्टर वो हमेशा जीरो होती है, ठीक है। तो ये बात तो तय है कि यहाँ पर जो फील्ड है वो क्या है, जीरो है। तो अच्छा, अब इसको देखें अगर हम गौर से, तो ये जो कंडक्टर है बेसिकली ये रखा हुआ है इन दो प्लेट्स के दरमियान में, और ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच में एक मैं इसको ट्रीट कर सकती हूँ कि इट इज इक्विवेलेंट टू अ सीरीज कैपेसिटर, ठीक है। एक कैपेसिटर जो है वो मेरा ये बन गया, अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से शो करूँ, एक कैपेसिटर मेरा ये बन गया जैसे मैंने अभी पिछली एग्जांपल्स में बताया था, लेकिन ये वर्टिकल मैंने शो किया हुआ है वो इस तरह से था, इस तरह से मैंने बताया था, ठीक है, कि दो मटेरियल्स रखे हुए
तो वहाँ पर तो दो मटेरियल्स थे, यहाँ पर एक ही मटेरियल है, लेकिन बहरहाल ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसमें इसको मैंने ट्रीट कर लिया, इट इज़ लाइक अ, क्योंकि ये भी कंडक्टर है तो ये एक प्लेट ही हो गई ना, एक प्लेट की तरह ही हो गया। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये बन गया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये बन गया, तो उसको मैं ट्रीट कर सकती हूँ, इट इज़ जस्ट लाइक अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब यहाँ पर अगर मैं गौर से देखूँ तो अब यहाँ मुझे क्या नजर आ रहा है, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये डी है, और इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस वो है बी। तो खाली जगह जो है वो कितनी है, एक कैपेसिटर तो मेरा हो गया ये वाला, और एक कैपेसिटर जो हो गया वो हो गया मेरा ये वाला। अच्छा, यहाँ पर मैंने साइड में लिख दी है वैल्यूज। अगर ये वाला जो मेरा कैपेसिटर है, जैसे इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, बेसिकली अगर मैं सपोज कर लूँ कि ये जो बी है, बी थिकनेस यानी कंडक्टर की जो थिकनेस है वो बी है, ये बिल्कुल सेंटर में है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा डी माइनस बी। डी डी माइनस बी बेसिकली जो डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है, जो कि खाली डिस्टेंस है पूरे इस डी में से बी को माइनस करके, तो ये और ये मिला के मेरा डिस्टेंस जो है ना वो मुझे मिला डी माइनस बी। लेकिन चूंकि मेरे पास अब ये भी है और ये भी है और ये दोनों बराबर बराबर हैं, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, डी माइनस बी बाई टू कर दिया। तो अब जो है कैपेसिटेंस सी वन अगर मैं लिखूंगी, तो यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये ओपन वैक्यूम या एयर है, तो उसके लिए फॉर्मूला मेरे पास यही होगा, एप्सिलॉन नॉट ए। लेकिन सिर्फ फर्क ये होगा कि यहाँ पर अब मैं डी के बजाय क्या लिखूंगी, डी माइनस बी बाई टू। और दूसरा कैपेसिटर भी जो है वो मेरा यही है, दोनों सेम वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आएंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो एरिया है, एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको गौर से अगर आप देख लें, ये जो है ना बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, ये इस तरह से शेप बनेगी ना इसकी, तो एरिया जो है ये जो एरिया इसका होगा वही फेस वाला एरिया इसका भी होगा। ठीक है, एरिया एरिया जो है वो क्या है मेरा सेम है, एरिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डेट्स वाई मैंने यहाँ पर इसको ए लिखा है। सिर्फ डिस्टेंस जो है ना मेरा अब डिक्रीज हो गया है, जो कि डी बाई टू है। तो सी वन और सी टू दोनों मेरे बराबर हैं। यहाँ पर सी वन सी टू की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, मैंने इन दोनों को स्क्वायर करके लिख दिया, और नीचे सी वन प्लस सी टू मुझे लिखना है, यहाँ पर मैंने ऐड करके दिखा दिया अलग से। सी वन और सी टू दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, और डी माइनस बी बाई टू है ना नीचे, तो उसका टू ऊपर चला जाएगा, तो बेसिकली ये फोर बन जाएगी ये चीज। तो यहाँ पर सी वन प्लस सी टू की वैल्यू मैंने क्या कर दी, इस जगह पर मैंने लिख दी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस बी बाई टू ये वाला, ये पूरा का पूरा एक टर्म और ये पूरी की पूरी ये वाली टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, ये स्क्वायर है और ये इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो अब हमारे पास क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस बी बाय टू। अच्छा यहाँ पर मैंने इसको डी माइनस बी है, डी माइनस बी बाय टू, अभी मैंने इसको नहीं कैंसिल किया इस स्टेप के अंदर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर कैंसिल किया है इसको, चले नेक्स्ट स्टेप में ही कैंसिल कर देते हैं, अभी नहीं कर रही हूँ मैं। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि एप्सिलॉन नॉट ए जो है एप्सिलॉन नॉट ए के साथ कैंसिल हुआ, तो ये आ गया। अब बाकी यहाँ पर क्या बच गया है, डी माइनस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, डी माइनस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, इसको मैंने स्क्वायर हटा दिया है, सिर्फ इसके ऊपर लिख दिया है डी माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे फोर लिख दिया है, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो ये फोर हो जाएगा। यहाँ पे ये टू टू जा फोर, इसको मैंने अभी रहने दिया है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर से कैंसिल किया है इस स्टेप के अंदर मैंने। और ये बच गया नीचे डी डी माइनस बी, यहाँ पर बच गया डी माइनस बी। तो अब सेकेंड स्टेप के अंदर मैं डी माइनस बी कैंसिल कर रही हूँ, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो अब क्या चीज बच गई, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस बी, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस बी।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर मेरे पास इनिशियल कैपेसिटर के दरमियान डिस्टेंस डी था, अगर मैंने एक कंडक्टर और रख दिया, तो कंडक्टर जो है रखने से क्या हुआ कि अब मुझे कौन सा डिस्टेंस चाहिए? मुझे डिस्टेंस चाहिए जस्ट डी माइनस बी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मेरा एक तरह से कम हो गया है। ओके, तो जब डिस्टेंस कम होता है तो टोटल कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अगर मैं कंडक्टर भी रख दूं, तो कंडक्टर रखने से वो सिस्टम बिहेव करेगा लाइक कि दो प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो क्या हो गई, वो रिड्यूस हो गई। उस वक्त भी कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन कंडक्टर को प्रैक्टिकली रखना, इंसर्ट करना दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान प्रैक्टिकली मुश्किल होता है, क्योंकि शॉर्ट होने का खतरा होता है। कैपेसिटर जो है कैपेसिटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। अगर कहीं कंडक्टर टच हो गया वॉल्स के ऊपर, तो वो एक कंडक्टिंग पाथ पूरा बन जाएगा, चार्जेस स्टोर नहीं होंगे। तो इसी वजह से कंडक्टर को अमूमन रखा नहीं जाता है। अच्छा, ये एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में थोड़ी डिफरेंट चीज जो है वो हम अब देखेंगे कि इसमें हमें और एक नई इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चल रही है। वो क्या इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज 13.5 पिको फैरेड हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डेल्टा वी 12.5 वोल्ट्स। यहाँ पे हम बना लेते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके दरमियान डेल्टा वी हमें गिवन है और उसकी कैपेसिटेंस भी हमें गिवन है। अक्रॉस इट्स प्लेट्स, अच्छा वोल्टेज जो है 12.5 वोल्ट्स है, गिवन है हमें। दी चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड। और ये वोल्टेज इसके ऊपर कैसे आया, यकीनन हमने इसको एक बैटरी लगाई हुई थी, इस वजह से ये चार्ज भी हो गया है, चार्ज इसने स्टोर कर लिया, और इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ ना कुछ अपेयर हो गया है। अब हमने क्या किया, इस बैटरी को रिमूव कर दिया। ओके, रिमूव कर देते हैं। द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड एंड अ पोर्सिलिन स्लैब इज स्लिप बिटवीन दी प्लेट्स। कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंसर्ट की है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा हाई है। व्हाट इज द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द यूनिट बोथ बिफोर एंड आफ्टर द स्लैब इज इंट्रोड्यूस। तो अब हमें एनर्जी के हवाले से सिस्टम को एनालाइज करना है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंसर्ट कर रहे हैं और उससे पहले उस सिस्टम की एनर्जी क्या थी और बाद में उस सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई। ठीक है, आपने देखा कि इससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले और इंसर्ट करने के बाद हम डिफरेंट पैरामीटर्स देख रहे थे कि कैपेसिटेंस क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, वोल्टेज क्या हो गया, लेकिन अभी तक हमने एनर्जी को की एनालिसिस नहीं किए कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद एनर्जी जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं हम। अभी हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किए बिफोर, तो हमें पता है सिस्टम की कैपेसिटेंस की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, उसको मैं यू से रिप्रेजेंट करती हूँ और इनिशियल एनर्जी कह देती हूँ मैं इसको। उसका फॉर्मूला होता है हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर। ये मैंने ड्राइव करवाया था, बताया था। तो जस्ट हम सी रखेंगे और डेल्टा वी जो कि हमारी कैपेसिटेंस गिवन है कि इतनी कैपेसिटेंस का वो मटेरियल है और उसके जो वोल्टेज था वो इतना था 12.5। तो हमें मुझे पता चल गया कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है बिफोर इंसर्टिंग दी स्लैब इज 1055 पीको जूल्स इज दी एनर्जी बिफोर इंसर्टिंग दी डायलैक्ट्रिक स्लैब। अब मैंने उसके अंदर क्या कर दिया, डायलैक्ट्रिक स्लैब जो है वो मैंने इंसर्ट कर दी। तो ये चीज़ जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि डायलैक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है बाय दिस फैक्टर, वोल्टेज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है बाय दिस फैक्टर। चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर आएगा। ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन आर नीचे से ऊपर से कैंसिल आउट हो रहा है, सिर्फ एक नीचे बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाली जो चीज, ये वाला जो अंदर फैक्टर है, ये तो सेम एज इट इज वो ही है जो कि पुराना वाला है जो मैंने अभी कैलकुलेट किया है 1055। इसका मतलब है डायलैक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से भी जो पोटेंशियल एनर्जी है उस सिस्टम की, कैपेसिटेंस तो बढ़ती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की डिक्रीज हो जाती है बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर। ठीक है, और ये अंडरस्टूड सी बात है, मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से रिड्यूस होगी तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी भी रिड्यूस हो जाएगी।
लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी जब इतनी ज़्यादा थी और ये अब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की रिड्यूस हो रही है, तो बाकी जो एनर्जी थी इसके पास पहले, उस कैपेसिटर सिस्टम के पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास, वो कहाँ गई? ये जो बाकी एनर्जी बची हुई थी, और वो कितनी थी? हमने सब्ट्रैक्ट करके देखा, 1055 - 162, 893 pJ एनर्जी इसकी कहाँ चली जाएगी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये कहती है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इट्स फॉर्म, बट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इसका चेंज आ रहा है, ये यकीनन कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाइलेक्ट्रिक में। यानी कि इस कैपेसिटर के अंदर हम जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, इस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को हम जब इंसर्ट कर रहे हैं, तो अब ये एक सिस्टम बन गया, ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी इसको दे देगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। और इसका क्या मतलब है? जैसे ही आप यहाँ पर इंसर्ट करना शुरू करेंगे, इस रीजन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती चली जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी, इस रीजन की क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही डिक्रीज हुई, तो इसने क्या किया, कुछ अपनी एनर्जी जो है वो इसको दी, और ये एकदम से जो है ना, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो इधर ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कि इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। अगर मैं इसको फोर्स के हिसाब से एनालाइज करूं, तो हम उसको समझ सकते हैं। लेट सपोज ये अगर कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो डाइलेक्ट्रिक मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ, ये पोलराइज हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो चूंकि ये जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। और ये जो भी अट्रैक्टिव फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे, तो उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये जो स्लैब है, ये अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, जैसे जैसे ये, अभी तो ये पोलराइज नहीं हुआ है, जैसे ही ये इस रीजन के अंदर आएगा, ये पोलराइज होगा, ये इतना पार्ट इसका पोलराइज हो जाएगा, और फिर फोर्स इसके ऊपर लगनी शुरू होगी, फिर ये और अंदर खिंचेगा, और फोर्स लगेगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अंदर की तरफ खिंचता चला जाएगा। तो फोर्स के जरिए भी मैं इस सिस्टम को एनालाइज कर सकती हूँ, जो कि मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करवा रही हूँ, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने यही चीज लिखी है कि इफ वी ट्राई टू इंसर्ट अ स्लैब, हम बार बार कह रहे हैं कि अच्छा भाई स्लैब घुसा दो डाइलेक्ट्रिक के बीच में, सॉरी कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटीरियल इंसर्ट कर दो, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, कैपेसिटेंस बढ़ रही है, लेकिन क्या इतना आसान है स्लैब घुसाना? नहीं। चाहे आपने बैटरी लगाई हो, चाहे आपने बैटरी नहीं लगाई हो, स्लैब जब आप इंसर्ट करेंगे, तो क्या होगा, इट विल बी ऑटोमेटिकली गेन काइनेटिक एनर्जी एंड स्टार्ट्स ओसिलेटिंग। अच्छा, अब ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और फिर ये यहाँ आगे की तरफ मूव करता हुआ चला जाएगा, फिर अगेन चूंकि ये चार्ज है, पोलराइज है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी दोबारा से इसी प्लेट्स की वजह से, और ये दोबारा से अंदर आएगा, ये अंदर बाहर करता रहेगा, अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है तो। और अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डैम्ड ओसिलेशन इसकी होगी, और प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि डैम्ड ही ओसिलेशन होती है, फ्रिक्शनल फोर्सेस हर जगह होती हैं। ये स्लैब ओसिलेट करेगी विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्टॉप हो जाएगा, डैम्प मोशन होगा इसका। तो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये बात याद रखिए कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो ओसिलेट करना शुरू कर देगा यहाँ पर। तो उसके लिए कोशिश ये की जाती है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को करीब लेकर आते हैं चार्ज्ड कैपेसिटर के, उसकी बात कर रही हूँ मैं, चार्ज कैपेसिटर की। जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करने के लिए करीब लेकर आएंगे, तो हमें पहले से पता होनी चाहिए ये बात कि अच्छा, ये क्योंकि कैपेसिटर चार्ज है, इसको एक ड्रिफ्ट मिलने वाली है और ये एकदम से निकलेगा, तो हम उसको बहुत मजबूती से पकड़ते हैं कंट्रोल करके, और अंदाज़ा कर लेते हैं पहले से कि इसके ऊपर फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो लेट सपोज हम भी इसको बहुत अच्छे से 10 न्यूटन की फोर्स के साथ होल्ड कर लें और इसको आहिस्ता 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 आहिस्ता
इक्विवेलेंट फोर्स के साथ में इसको इंसर्ट करें। तो जब हम इसको आहिस्ता 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 इंसर्ट करेंगे तो फिर ओसिलेशंस जो है वो नहीं होंगी। ओके, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि डायलैक्ट्रिक मटेरियल जब भी चार्ज ऑब्जेक्ट कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट किया जाता है, चाहे कैपेसिटर बैटरी लगी हुई हो चाहे ना लगी हुई हो। इस केस में यहाँ पे बैटरी हमने हटा दी थी, लेकिन बैटरी जो है अगर आप ना भी हटाएं तो भी ये होगा। ओके, अच्छा यहाँ पर जो मैं फोर्स की बात कर रही थी कि अच्छा भाई फोर्स लग रही है तो कितनी फोर्स लग रही है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि जब मैं डायलैक्ट्रिक को इंसर्ट करूँ तो वो जो है कितनी फोर्स के साथ अब अंदर की तरफ ड्रिफ्ट करेगा। जैसे यहाँ पर शो किया हुआ है, लेट सपोज कि मेरी जो ये अब कैपेसिटर की प्लेट है ना, ये ऊपर से तो स्क्वायर है, ये वाली साइड भी एल है और ये वाली साइड भी एल है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना ये डी है। ठीक है, अच्छा अब ये जो स्लैब है ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर घुसा रही हूँ, ये मैंने अभी कितनी घुसा दी है, इसको मैंने एक्स डिस्टेंस अभी घुसा दिया। ओके, और ये जो डायलैक्ट्रिक की स्लैब है डेफिनेटली इसकी डायमेंशंस भी सेम है एज क्योंकि हम इसको इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर घुसा रहे हैं तो इसकी डायमेंशन भी वही हैं जो कि इसकी हैं। तो लेकिन ये जो यहाँ से लेकिन यहाँ तक का डिस्टेंस भी डी है और ये भी ऊपर वाला जो डायमेंशन है इसकी सेम है, लेकिन अभी ये जो सिर्फ एरिया मैंने यहाँ पर दिखाया है पोर्शन, ये एक्स पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना अभी ओवरलैप हो गया है ये। अच्छा अब मुझे क्या करना है, वो फोर्स कैलकुलेट करनी है जो कि इसके ऊपर लगेगी और ये अंदर की तरफ जाएगा। और फोर्स क्यों लग रही है इसके ऊपर, मैंने अभी आपको बताया कि ये पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की, ये नेगेटिव प्लेट है, ये जैसे ही इतना अंदर इंसर्ट हुआ ये पोलराइज हो गया, पोलराइज होने के बाद ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इसके ऊपर लगेगी। अगर इसको मैं प्रॉपर तरीके से शो करूँ तो इसके ऊपर लेट सपोज फोर्स लग रही है प्लस से माइनस की तरफ और ये प्लस से माइनस की तरफ, तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके फेयर करके दिखाया है, जैसे ही मैंने डायलैक्ट्रिक जो है वो अपनी इंसर्ट की दो प्लेट्स के दरमियान डायलैक्ट्रिक को इंसर्ट किया तो यहाँ पर देखें ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगेगी, यानी कि ये पॉजिटिव प्लेट इसको खींचने की कोशिश करेगी, इस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी फोर्स की। और अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दूँ तो ये कंपोनेंट्स इसके बनेंगे। इसी तरीके से पॉजिटिव के ऊपर फोर्स लगेगी, ये जो नेगेटिव है इसको ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा डायलैक्ट्रिक स्लैब को, और इसके कंपोनेंट्स को मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अच्छा ये जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं ये तो मेरे ख्याल है के कैंसिल आउट हो गए, देखें अपोजिट साइन है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सिर्फ बच गए और दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो बेसिकली इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो मालूम करना चाहती हूँ। तो एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, लेट सपोज दिस डायरेक्शन इज एक्स एंड दिस डायरेक्शन इज वाई, तो मैं कैसे मालूम कर सकती हूँ? सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव मैं लूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फोर्स आ जाएगी। तो मुझे सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन है भी या नहीं, तो मुझे ये देखना पड़ेगा, उसकी उसका एक्सप्रेशन मुझे लिखना पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे मालूम है कि वो किसके बराबर है, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर है, ये मेरी इक्वेशन नंबर टू है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, जो कि मेरी पहली सिचुएशन है उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ कि उसके अंदर मैंने अपनी सप्लाई यहाँ पर लगाई हुई है, ये देखें पोटेंशियल मैंने लगाया हुआ है। तो पोटेंशियल का काम यह है कि वो दोनों एंड्स के ऊपर कैपेसिटर के पोटेंशियल को मेंटेन रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर मुझे पता चल रहा है कि मेरी बैटरी लगी हुई है तो पोटेंशियल में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही, पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट थिंग। यकीनन ये जो कैपेसिटेंस है ये कैपेसिटेंस फंक्शन होगा एक्स का, तभी जो है यू एक्स का फंक्शन होगा
और जब यू एक्स का फंक्शन होगा तो मैं इसका डेरिवेटिव ले सकूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब मुझे इस सिचुएशन को सॉल्व करना है। अगर मैं इस सिचुएशन को देखूं गौर से तो ये जो है डायलैक्ट्रिक हाफ लेट सपोज इंसर्ट हुआ हुआ है, कुछ पार्ट इसका इंसर्ट हुआ हुआ है और कुछ पार्ट एम्प्टी है। तो ये बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह ये बिहेव कर रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशन में शुरू में बताया था कि अगर हाफ में डायलैक्ट्रिक वन इधर रखा हुआ और डायलैक्ट्रिक टू इधर रखा हुआ तो ये पैरेलल इक्विवेलेंट होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो ये चीज तो मुझे पता चल गई कि ये डायलैक्ट्रिक कुछ पार्ट में है कुछ में नहीं है। जहां पर एयर है तो उसकी कैपेसिटेंस अलग होगी, जहां पर एयर नहीं है डायलैक्ट्रिक स्लैब आ गई है उसकी कैपेसिटेंस अलग होगी। तो मैं उसका फॉर्मूला लिख लेती हूँ। सी वन क्या होगा, ये वाला पार्ट जहां पर एयर है या वैक्यूम है, सी वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। और अब मुझे उसका एरिया लिखना है, तो एरिया क्या होगा, ये वाली साइड तो एल ही रहेगी, ठीक है, ये वाली जो साइड है ये तो एल ही रहेगी, लेकिन ये वाली जो साइड है ये टोटल एल और माइनस एक्स हो जाएगी। तो इसका एरिया मेरे पास क्या आ गया, एल एल माइनस एक्स, और थिकनेस इसकी डी ही है तो डी ही हम इसको यहाँ पर रखेंगे। अब दूसरी कैपेसिटेंस जो है वो क्या है, दूसरी कैपेसिटेंस ये डायलैक्ट्रिक मटेरियल की होगी, इसके लिए एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर हम रखेंगे। और इसका मुझे अगर एरिया चाहिए तो एरिया कैसे निकलेगा, इसकी एक साइड एक्स है और दूसरी साइड जो है वो एल ही है, तो एक्स एल एरिया आ गया। और इसकी भी जो थिकनेस है वो डी ही है, यहाँ पर इसकी थिकनेस डी आ गई। इन दोनों को मैंने एड अप कर दिया, एड अप करने के बाद मेरे पास ये एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब आप देख सकते हैं कि इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इट मींस जो चीज मैं मालूम करना चाह रही थी कि यू मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, वो है। तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं अब इसका डेरिवेटिव ले लूंगी। मैंने यू का फॉर्मूला इधर रखा, ठीक है, यानी कि हाफ सी जो मैंने वैल्यू निकाली थी उसको मैंने पुट अप किया और वी स्क्वायर कांस्टेंट था इधर रखा, और फिर मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद ये मेरे पास फाइनल फंक्शन आ गया, यानी मुझे पता चल गई कितने फोर्स से एक्स डायरेक्शन के अंदर मेरी डायलैक्ट्रिक स्लैब खींचेगी। ठीक है, तो जितनी फोर्स से खींचेगी वो पहले से हम कितना वोल्टेज दे रहे हैं हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सब इसमें फोर्स तो लगेगी, ठीक है, चाहे वोल्टेज हो चाहे वोल्टेज ना हो। और ये एक सेकंड केस है, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया है कि अच्छा भाई आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, चार्ज करने के बाद आपने बैटरी को हटा दिया, बैटरी हटाने के बाद आप डायलैक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी फोर्स तो उसके ऊपर लगेगी। तो लेकिन उस सूरत में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है उस ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो चाहे अब आपके पास चूंकि बैटरी नहीं लगी हुई है तो जितना चार्ज पहले था डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले और उतना ही चार्ज डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद भी सेम रहेगा। ये सिचुएशन है जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन की थी। तो अब यहाँ पर इस V के बजाय यहाँ पर अब Q जो है वो कांस्टेंट है और C जो है वो क्या है, फंक्शन है X का। C की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, वही वैल्यू एप्सिलॉन नॉट L अपॉन D वही वैल्यू जो है मैं यहाँ पर यूज करूंगी, ठीक है। लेकिन अब मैं इस वाले फॉर्मूले में रखूंगी Q स्क्वायर अपॉन C वाले फॉर्मूले में, क्योंकि मुझे अब Q के बारे में इंफॉर्मेशन है कि Q कांस्टेंट है और C मैंने निकाला हुआ है, अब ये वाला फॉर्मूला मैं रखूंगी। तो यहाँ पर जो है ना वो मेरा सी आ गया, ये मेरा यू का एक्सप्रेशन बन गया टोटल। और जब ये मेरा टोटल यू का एक्सप्रेशन बन गया तो अब मैं डेरिवेटिव ले लूंगी यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन के साथ, और फिर यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी। और सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ये, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि अगर मैंने बैटरी को चार्ज करने के बाद डायलैक्ट्रिक डाला है तो इतनी फोर्स लगेगी, और अगर मेरे पास मुस्तकिली पावर सप्लाई लगी हुई है तो इतनी फोर्स लगेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं लेकिन फोर्स दोनों सूरतों में लग रही है। इसकी कैलकुलेशन के स्टेप्स जो हैं वो क्लियर करके एक कॉपी के अंदर आप देख लीजिए, अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो
तो यहाँ पर मैं ये पूरा चैप्टर जो है वो एंड कर रही हूँ, जो कि हम लोगों ने कैपेसिटर के मुतालिक सीखा, कैपेसिटर के मुतालिक हमने सीखा। और इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा समराइज भी कर लेती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी। हमने ये देखा कि किसी भी कोई डिवाइस जिसके अंदर हम चार्ज स्टोर कर सकें उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर ना सिर्फ चार्ज स्टोर करता है बल्कि अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टोर करने की सलाहियत रखता है। कैपेसिटर जो है वो वैसे किसी भी डिवाइस कैपेसिटेंस जो है एक एबिलिटी का नाम है, जो कि कैपेसिटर कि मैक्सिमम कैपेसिटर जो है वो कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, और उसका यूनिट होता है फेरेड। फेरेड इज़ अ बिग यूनिट। यूजुअली जो कैपेसिटर अवेलेबल होते हैं उनकी जो कैपेसिटेंस होती है वो माइक्रो फेरेड और पीको फेरेड के अंदर होती है। और सुपर कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस 1 फेरेड तक हो जाती है। कैपेसिटेंस जो है हम ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स कंट्रोल करके भी वेरी कर सकते हैं। अगर हम बहुत सारे कैपेसिटर्स पैरेलल के अंदर लगा दें या सीरीज में लगा दें तो भी टोटल कैपेसिटेंस उस सर्किट की चेंज हो सकती है। और इसी तरीके से अगर हम डाइलेक्ट्रिक जो है वो प्लेट के दरमियान इंसर्ट कर दें तो भी कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से ना सिर्फ कैपेसिटेंस चेंज होती है बल्कि डिफरेंट पैरामीटर्स चेंज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिड्यूस होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। ओके, कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। चार्ज के बारे में ये है कि चार्ज जो है वो कभी इंक्रीज होगा कभी नहीं होगा। इंक्रीज कब होगा? अगर उसमें सप्लाई लगी भी है और फिर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तो चार्ज भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से पहले पावर सप्लाई हटा दिए तो फिर चार्ज उतना ही रहता है, चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं आती। अच्छा, और इसके अलावा हमें ये भी पता चला कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद, चाहे सप्लाई लगी भी हो चाहे सप्लाई नहीं लगी भी हो, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स जो है वो ओसिलेट करवाएगी उस स्लैब को, डैम्प्ड ओसिलेशन करवाएगी उस स्लैब की बिटवीन दी टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। और हमने उस इस केस को विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी भी देखा कि जब हमने कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाली थी तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो गई। तो कहाँ जा रही है वो पोटेंशियल एनर्जी? वो कन्वर्ट हो रही है डाइलेक्ट्रिक की काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी के लिहाज से भी हमने इसकी एक एनालिसिस कर ली। एनर्जी के हिसाब से भी हमें पता चल रहा है कि वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपना लेक्चर एंड कर रही हूँ। ये हमारा कैपेसिटर का जो चैप्टर है कैपेसिटेंस का, वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।